देश ने फिर से एक बार इतिहास रच डाला है और समुद्र के ऊपर एक नया रेल ब्रिज बना डाला है। जी हाँ, मंडपम से रामेश्वरम को जोड़ने वाला नया रेल ब्रिज अब आपस में जुड़ गया है और अब आने वाले दिनों में सीधा ट्रेन रामेश्वरम तक की यात्रा आपको कराएगी। आज के इस वीडियो में हम इस नए पाम्बन ब्रिज को आपके लिए एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे यह कैसे बनकर के तैयार हो गया और कैसे कैसे इसका निर्माण हुआ, क्यों इसका निर्माण जरूरी था और इसके बन जाने से आपको और हमें क्या फायदा होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आपको बताते चले कि इससे पहले जब हम पाम्बन ब्रिज को रिकॉर्ड करने गए थे उस समय में इस ब्रिज का निर्माण हो रहा था और ऊपर ये जो येलो कलर वाला जो देख रहे हैं इस ब्रिज में तो उस समय में रंगाई हो रहा था और ये पुराने वाले पाम्बन ब्रिज पर उस समय में ट्रेन दौड़ रही थी। हम उस चलती हुई ट्रेन का वीडियो भी आपके लिए रिकॉर्ड किए थे, इस पर हम यात्रा भी किए थे पाम्बन से लेकर मंडपम तक का। अब जब 23 दिसंबर 2022 से इस पुराने वाले पाम्बन ब्रिज पर ट्रेन की आवाजाही रोक दी गई है, अब ट्रेन मंडपम तक ही जाती है और वहां से आपको सड़क मार्ग से रामेश्वरम तक जाना होता है। ऐसे में अगर इस ब्रिज की का शुरुआत हो जाता है नया वाला रेल ब्रिज का तो आपकी ट्रेन सीधा चेन्नई से या फिर कहिए तो कश्मीर से रामेश्वरम तक की यात्रा करवाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में इस ब्रिज के जरिए सीधा अयोध्या से लेकर रामेश्वरम तक की ट्रेन चलाई जाए। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है जिसमें यह ब्रिज का ये वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है और इसके नीचे से जो है जहाज निकल सकता है। जब ट्रेन आएगी तो यह हिस्सा नीचे रहेगा, इसमें से ट्रेन जाएगी और लेकिन जब जहाज को जाना होगा तो इसको उठा दिया जाएगा, इसकी व्यवस्था है। जबकि पुराना वाला जो रामेश्वरम का सेतु है वो ऐसे कुछ खुल जाता था, ये जो दो पार्ट में आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये वाला ये कुछ ऐसे खुल जाता था तब इसके नीचे से जहाज पार होती थी। लेकिन अब जब यह बना है तो यह सीधा ऊपर उठेगा, लिफ्ट हो जाएगा और इसके नीचे से जहाज क्रॉस कर जाएगा। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे कि 1914 में जब यह पुराना वाला पाम्बन ब्रिज बनकर के तैयार हुआ था तो उस समय में रामेश्वरम को जोड़ने के लिए यह रेल मार्ग ही एक सहारा हुआ करता था, इसी के जरिए लोग जाते थे और आते थे। लेकिन 1988 में ये वाला इंदिरा गांधी सेतु इसे बोलते हैं ऊपर में सड़क मार्ग वाला जो पाम्बन ब्रिज है वो बनकर के तैयार हुआ। इस पर से अब दो लेन का रोड है जिसके ऊपर से गाड़ियां फराटे भर रही हैं और अब रेल और सड़क दोनों ही मार्ग से यह देश के मुख्य हिस्से से रामेश्वरम का आइलैंड जुड़ गया था। लेकिन इस पर जो है मेंटेनेंस और इसके रिपेयरिंग में बहुत बाधाएं आ रही थी और चूंकि 1914 का बना हुआ यह ब्रिज, पुराना वाला जो पाम्बन ब्रिज है वो जर्जर हो चुकी थी, ऐसे में नए ब्रिज की परिकल्पना की गई या नए ब्रिज की आवश्यकता हुई तो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए पाम्बन ब्रिज का आधारशिला रखा और उसका निर्माण शुरू हुआ। लेकिन इसके तुरंत बाद कोविड-19 का दौर आ गया यानी कोरोना काल आ गया जिसमें इसका निर्माण कार्य प्रभावित हो गया। 3 सालों में लगभग इस ब्रिज को बन जाना था, 550 करोड़ की लागत से इसका निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया। इसके निर्माण की जिम्मेदारी रेल विकास निगम को दिया गया और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। 27 जुलाई की बात है जब इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ यानी यह पूरी तरह से वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है वो बनकर के तैयार हुआ, तब यहाँ आतिशबाजी होने लगा। इस आतिशबाजी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्यों ना हो, जब गौरवशाली पल हो और देश ने इतिहास रच दिया हो तो ऐसी आतिशबाजी तो होना ही है। अब इस पर जब इंजन चला करके देख लिया गया, देखिए सीधा डीजल इंजन इस पर से जा रही है
और ऐसे में अब इसके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम होना है और बस ट्रेन का ट्रायल रन होना, फाइनली अक्टूबर महीने में इसके लोकार्पण की अब तैयारी हो रही है। आपको बता दें इस ब्रिज के ऊपर बने रोड मार्ग के जरिए NH 49 के जरिए सीधा सड़क मार्ग के जरिए धनुषकोडी तक को यह देश कनेक्ट करता है, यानी जहां राम सेतु बना था वहां तक नेशनल हाईवे की पहुंच है, समझ लीजिए। ये वाला जो जगह है यहां तक सीधा कनेक्ट करता है NH 49 का यहां तक की कनेक्टिविटी है, जो सीधा इस इंदिरा गांधी सेतु के जरिए रामेश्वरम आइलैंड को कनेक्ट करते हुए धनुषकोडी तक की यात्रा करवाता है। एक दौर था जब कहिए कि साइक्लोन में पूरा यह एरिया तहस नहस हो गया था, पूरी पटरियां उजड़ गई थी, लेकिन अब जब यह फिर से बस गया है तो सीधा रेल तो छोड़िए सड़क मार्ग से रामेश्वरम तक की कनेक्टिविटी है और वहीं धनुषकोडी तक नेशनल हाईवे पहुंच गया। जब भी आप रामेश्वरम जाएंगे और इस रोड वाले पाम्बन ब्रिज पर खड़े होकर के इस रेल वाले पाम्बन ब्रिज से ट्रेन को गुजरते देखेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा और कहिएगा कि देश के इंजीनियरों ने एक नई गाथा को, या कहिए तो विकास की एक नई लकीर को खींच डाला है और समुद्र के ऊपर यह शानदार ब्रिज बना डाला है। तभी तो मुख्य तल से यह रामेश्वरम जुड़ा है और उस पर से लोग सीधा जा रहे हैं। इस नए वाले पाम्बन ब्रिज की लंबाई 2.05 किलोमीटर है और इसमें लगभग 100 स्पैन है। इस पर अभी सिंगल लेन का ट्रैक बिछाया गया है जिसके ऊपर से अब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शुरू हो गया है और अगर यह पूरा हुआ तो इस पर अब इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ाकर ट्रायल रन होगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, बाकी अपने दोस्तों, जानने वालों और रिश्तेदारों तक इस जानकारी या इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिए। तो देखा आपने, समुद्र के छाती पर यह नया पाम्बन रेल ब्रिज बनकर तैयार है और बस अब इस पर फाइनली ट्रेन दौड़ाने की तैयारी हो रही है और उम्मीद कर लीजिए अक्टूबर महीने में इसका लोकार्पण होगा। कोशिश करेंगे हम भी चलेंगे, आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड भी करेंगे। धन्यवाद।